गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सेम ब्रांड के चार लेटेस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं 5G सिम लगाकर, और साथ में हम चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे। तो गाइस अपने पास है Vivo T3 Ultra, Vivo T3 Pro, iQOO Z9s Pro एंड iQOO Z9s 5G। Vivo T3 Ultra को पावर दिया है MediaTek Dimensity 9200 Plus चिपसेट ने। Vivo T3 Pro एंड iQOO Z9s Pro में लगा है Snapdragon 7 Gen 3 एंड iQOO Z9s 5G में Dimensity 7300। एंड ये चारों स्मार्टफोन 8GB RAM वेरिएंट है। गाइस चारों स्मार्टफोन में Android 14 बेस्ड OS रन कर रहा है। चारों स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच चारों में सितंबर का है। चारों स्मार्टफोन में 6.77 इंचेस का 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। Vivo T3 Ultra में रेजोल्यूशन है 1.5K, बाकी तीनों में मिलेगा फुल HD प्लस। पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स मिल जाएगा T3 Ultra, T3 Pro एंड iQOO Z9s Pro में। Z9s 5G में मिलेगा 1800 निट्स। तो रिफ्रेश रेट मैंने चारों स्मार्टफोन का ऑटो पे सेट कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं बैटरी के बारे में और चार्जिंग के बारे में। तो गाइस बैटरी मिल रहा है चारों स्मार्टफोन में 5500 mAh का। चार्जिंग स्पीड T3 Ultra, Vivo T3 Pro एंड iQOO Z9s Pro में मिल रहा है 80W, Z9s 5G में मिल रहा है 44W। बैटरी मैंने चारों स्मार्टफोन का फुल कर दिया है। सारे एप्स को क्लोज कर दिया है। चारों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है। वॉल्यूम सबका 75% के आसपास सेट है एंड ब्राइटनेस रहेगा सबका एकदम फुल मैक्सिमम। आज का पहला टास्क है वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी हम कैमरा यूज करेंगे। चारों स्मार्टफोन से हम 1 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। कौन सा स्मार्टफोन कितना गर्म होता है ये भी चेक करेंगे, और साथ में कितना बैटरी ड्रेन करता है चारों स्मार्टफोन 1 घंटे में ये भी चेक करेंगे। चारों स्मार्टफोन से हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट 60fps ओनली ऑफर करता है T3 अल्ट्रा। बाकी तीनों स्मार्टफोन में आपको 4K 30fps मिलेगा। एंड अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो 30 एंड 60fps दोनों ऑप्शन मिल जाएगा चारों डिवाइस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1080p 60fps पे 1 घंटे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे चारों स्मार्टफोन से। चारों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर 32-33 डिग्री के आसपास था एंड कुछ 30 मिनट के रिकॉर्डिंग के बाद बॉडी टेम्परेचर मोरलेस सेम दिख रहा है 41 डिग्री के आसपास। ओनली iQOO Z9s का थोड़ा सा कम दिख रहा है 39 डिग्री। गाइस जब हम फोन को एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं ना, तो पहला परसेंट ड्रॉप होने में यानी 100 से 99 आने में कुछ फोन थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लेता है। Vivo T3 Ultra ने पहला 30 मिनट में ओनली 4% बैटरी ड्रेन किया है, 96 पे दिख रहा है। Vivo T3 Pro भी 96 पे दिख रहा है, इसमें भी 4% बैटरी ड्रेन हुआ है। iQOO Z9s Pro 97 पे दिख रहा है, इसमें ओनली 3% बैटरी ड्रेन हुआ है। बट iQOO Z9s 5G में 93 पे दिख रहा है, 7% बैटरी ड्रेन हो गया है पहले 30 मिनट में। ग्रेट, तो 30 मिनट और हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। चलिए देखते हैं इस 30 मिनट में कौन से स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रेन किया है। Vivo T3 Ultra 96 से 85 पे दिख रहा है, इस 30 मिनट में इसने 11% बैटरी ड्रेन कर दिया है, पहले से कहीं ज्यादा। Vivo T3 Pro 96 पे था, 88 पे दिख रहा है, इसने अगेन पहले से ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है 8%। iQOO Z9s Pro 97 पे था, 89 पे दिख रहा है, इसने भी पहले से ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है 8%। और iQOO Z9s 5G 93 पे था, 82 पे दिख रहा है, इसने 11% बैटरी ड्रेन किया है इस 30 मिनट में, अगेन पहले से ज्यादा। अब गाइस आप लोगों को बता देता हूँ 1 घंटा रिकॉर्डिंग करने के बाद 1080p 60fps पे टोटल कितना बैटरी ड्रेन हुआ है। Vivo T3 Ultra 85 पे दिख रहा है 15% बैटरी इसने ड्रेन किया है। Vivo T3 Pro 88 पे दिख रहा है 12% बैटरी इसने ड्रेन किया है। iQOO Z9s Pro 89 पे दिख रहा है 11% बैटरी इसने ड्रेन किया है। एंड iQOO Z9s 5G 82 पे दिख रहा है, इसने 18% बैटरी ड्रेन किया है सबसे ज्यादा। 1 बज रहा है, तो अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब हम स्टैंड बाय मोड पे चेक करेंगे चारों स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप, यानी नेटवर्क चारों का ऑन रहेगा। हम रात भर चारों फोन को छोड़ देंगे, सुबह चेक करेंगे कौन से फोन में कितना बैटरी ड्रेन होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी लगभग 10 बज रहा है यानी 9 घंटा हो चुका है। चले चेक करते हैं 9 घंटे में कौन से फोन ने कितना बैटरी ड्रेन किया है। T3 Ultra 85 पे था, 82 पे दिख रहा है, 3% बैटरी इसने ड्रेन किया है रात भर में। T3 Pro 88 पे था, 85 पे दिख रहा है, 3% बैटरी इसने भी ड्रेन किया है। iQOO Z9s Pro 89 पे था, 85 पे दिख रहा है, 4% बैटरी इसने ड्रेन किया है। एंड iQOO Z9s 5G 82 पे था, 77 पे दिख रहा है, इसने 5% बैटरी ड्रेन किया है रात भर में। अब गाइस हम 1 घंटे इंस्टा रील्स प्ले करेंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस जियो 5G सिम लगाकर चारों स्मार्टफोन में। गाइस ये वीडियो शूट करने में ऑलमोस्ट एक फुल डे निकल जाएगा, उसके बाद एडिटिंग और इतना सारा डेटा, टाइम तो लेता है ये वीडियो, साथ में मेहनत बहुत करवाता है ऐसा वीडियो। नाउ पॉइंट ये कि वीडियो एकदम हेल्पफुल होना चाहिए और सबको पसंद आना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, ये बहुत मैटर करता है।
तो गाइस एक घंटा इंस्टा रील्स हमने चला लिया, चलिए बैटरी चेक करते हैं। T3 अल्ट्रा 82 पे था, 71 पे दिख रहा है, यानी 11% बैटरी इसने ड्रेन किया है। T3 प्रो 85 पे था, 77 पे दिख रहा है, 8% बैटरी ड्रेन किया है। IQ Z9S प्रो 85 पे था, 77 पे दिख रहा है, इसने भी 8% बैटरी ड्रेन किया है। एंड IQ Z9S 77 पे था, 62 पे दिख रहा है, यानी इसने 15% बैटरी ड्रेन किया है एक घंटे में इंस्टा रील्स में, बहुत ज्यादा। चलिए अब यूट्यूब शॉर्ट्स चला लेते हैं एक और घंटे मैक्सिमम ब्राइटनेस गाइस। अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है, स्पीड टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, डिस्प्ले कंपैरिजन, कैमरा, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट, तो आपके लिए सब्सक्राइब करना चैनल को बनता है एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी नोटिफिकेशन के लिए। बट अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इंस्टा रील से थोड़ा कम बैटरी कंज्यूम करता है यूट्यूब शॉर्ट्स, तो चले चेक करते हैं इस घंटे कौन से स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रेन किया है। यूट्यूब शॉर्ट्स में एक घंटे में T3 अल्ट्रा ने 9% बैटरी ड्रेन किया है, 71 पे था, 62 पे दिख रहा है। T3 प्रो 77 पे था, 71 पे दिख रहा है, इसमें ओनली 6% बैटरी ड्रेन हुआ है। IQ Z9S प्रो 77 पे ये भी था, 71 पे दिख रहा है ये भी, यानी इसमें भी 6% बैटरी ड्रेन हुआ है। एंड IQ Z9S 5G 62 पे था, 56 पे दिख रहा है, इसमें भी 6% बैटरी ड्रेन हुआ है। चलिए अब एक घंटे फेसबुक रील्स भी चला लेते हैं सेम सेटिंग्स पे। इसके बाद हम चार्जिंग टेस्ट भी करने वाले हैं चारों स्मार्टफोन का, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। एक घंटा फेसबुक पे रील्स देखने के बाद T3 प्रो ने अगेन 9% बैटरी ड्रेन किया है, 62 पे था, 53 पे दिख रहा है। वीवो T3 प्रो 71 पे था, 63 पे दिख रहा है, इसमें 8% बैटरी ड्रेन हुआ है। IQ Z9S प्रो 71 पे था, 64 पे दिख रहा है, 7% बैटरी इसने ड्रेन किया है। IQ Z9S 5G 56 पे था, 50 पे दिख रहा है, इसमें ओनली 6% बैटरी ड्रेन हुआ है इस घंटे। अब गाइस गेमिंग टेस्ट, अब हम BGMI खेलेंगे चारों स्मार्टफोन में दो घंटे। स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मिल जाएगा चारों स्मार्टफोन में, बैलेंस्ड के साथ वीवो T3 अल्ट्रा, T3 प्रो एंड IQ Z9S प्रो में अगेन एक्सट्रीम मिल जाएगा, Z9S 5G में अल्ट्रा मिलेगा। HD और HDR सेटिंग्स के साथ भी T3 प्रो, T3 अल्ट्रा एंड IQ Z9S प्रो में एक्सट्रीम मिल जाएगा, Z9S 5G में अल्ट्रा मिलेगा। तो चले स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे दो घंटे गेमिंग स्टार्ट करते हैं चारों स्मार्टफोन में मैक्सिमम ब्राइटनेस जियो 5G सिम के साथ। गाइस जहां मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ठीक इस टेबल के ऊपर एक फैन लगा है, तो चारों फोन बहुत ज्यादा गरम नहीं हो रहा है गेमिंग के टाइम पे या फिर कैमरा यूज करने पे। अगर आप फैन से थोड़ा हटकर गेमिंग करो तो आपका फोन थोड़ा ज्यादा गरम हो सकता है एंड बैटरी ड्रेन भी थोड़ा ज्यादा होगा। कैमरा भी अगर आप आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे यूज करते हो ना, तो आपका फोन थोड़ा ज्यादा गरम हो सकता है एंड बैटरी ड्रेन भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। गाइस गेम प्ले स्टाइल से भी बैटरी ड्रेन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अभी हम चारों स्मार्टफोन को सेम सिचुएशन में रखकर सेम कंडीशन पे सेम सेटिंग्स के साथ सेम टास्क चला रहे चारों स्मार्टफोन में। तो गाइस रियल लाइफ में कौन सा स्मार्टफोन आपको बैटरी बैकअप ज्यादा देगा, कौन कम देगा, ये सब कुछ आइडिया लग जाएगा। दो घंटा हमने गेमिंग कर लिया 5500 mAh बैटरी वाले चारों स्मार्टफोन में, टोटल हो गया 6 घंटा। एंड 6 घंटे के बाद T3 अल्ट्रा दिख रहा है 18% पे, 35% बैटरी इसने ड्रेन किया है इस दो घंटे में। T3 प्रो 35 पे दिख रहा है, 28% बैटरी इसने ड्रेन किया है। IQ Z9S प्रो 36 पे दिख रहा है, इसने भी 28% बैटरी ड्रेन किया है। IQ Z9S 5G 26 पे दिख रहा है, इसमें ओनली 24% बैटरी ड्रेन हुआ है दो घंटे में। तो गाइस कैमरा, सोशल मीडिया, गेमिंग के बाद अब मल्टीमीडिया, अब हम YouTube पे वीडियो चलाएंगे। चारों स्मार्टफोन में आप 4K HDR कंटेंट देख सकते हो YouTube पे। तो चलो हम 1080p HDR वीडियो प्ले करते हैं चारों स्मार्टफोन में 3 घंटे मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ Jio 5G सिम लगाकर। IQ Z9S 5G आपको अंडर 20,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, बट अगर आप IQ Z9S Pro, Vivo T3 Pro एंड T3 Ultra के बीच में कन्फ्यूज्ड हो, तो आप लोग को एक चीज़ बता दूं, अगर आप मल्टीमीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो फिर T3 Ultra आपके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा डिवाइस, क्योंकि ये HDR कंटेंट में थोड़ा ज़्यादा ही बैटरी कंज्यूम करता है। बाकी क्वालिटी की अगर बात करूं तो T3 Ultra, T3 Pro एंड IQ Z9S Pro में आपको मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस होने वाला है। तीनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड
सुंदर दिख रहा है। Vivo T3 Ultra में 18% बैटरी बचा हुआ था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1% बैटरी ड्रेन हो गया था, तो आप मानकर चलो 17% बैटरी ओनली 1 घंटे 15 मिनट चला। 5500 mAh बैटरी वाला T3 Ultra 7 घंटे 15 मिनट में डेड। गाइस बाकी तीनों फन टच ओएस वाला स्मार्टफोन Vivo T3 Pro, iQOO Z9S Pro या फिर iQOO Z9S 5G YouTube में HDR कंटेंट देखने पे भी बैटरी बैकअप मस्त देता है। iQOO Z9S 5G अगेन एक 5500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 8 घंटे 53 मिनट चला, 26% बैटरी बचा हुआ था जो 2 घंटे 53 मिनट चला 1080p HDR वीडियो के साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस और जियो 5G सिम लगाकर। Now Vivo T3 Pro एंड iQOO Z9S Pro दोनों स्मार्टफोन ने 3 घंटा कंप्लीट कर लिया, यानी टोटल 9 घंटा हो चुका है। एंड 9 घंटे के बाद Vivo T3 Pro दिख रहा है 6 पे, 29% बैटरी इसने ड्रेन किया 3 घंटे में। एंड iQOO Z9S Pro दिख रहा है 7 पे, इसने भी 29% बैटरी ड्रेन किया 3 घंटा यूट्यूब पे 1080p HDR वीडियो प्ले करने के बाद। अब गाइस चले फिर से गेमिंग कर लेते हैं, फिर से BGMI खेल लेते हैं सेम स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। तो Vivo T3 Pro 9 घंटे 26 मिनट चला, 6% बैटरी इसमें बचा हुआ था जो 26 मिनट चला BGMI के साथ। एंड फाइनली iQOO Z9S Pro 9 घंटे 29 मिनट में डेड, 7% बैटरी इसमें बचा हुआ था जो 29 मिनट चला, ऑलमोस्ट आधा घंटा। दोनों iQOO एंड Vivo T3 Pro आप आराम से ले सकते हो, आपको सॉलिड बैटरी बैकअप मिलेगा तीनों स्मार्टफोन में। T3 Ultra बहुत इंप्रेसिव नहीं है, ओनली सोशल मीडिया में ये ठीक ठाक चला, बाकी कैमरा गेमिंग या फिर मल्टीमीडिया में इसने थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया बाकी तीनों से। तो गाइस बैटरी हमने चारों स्मार्टफोन का खाली कर दिया है, चलिए अब चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। गाइज फास्ट चार्जिंग मोड ऑन है, सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है, डेटा भी बंद कर दिया है और ब्राइटनेस को भी सबका कम कर दिया है। 10 मिनट से हम चार्ज कर रहे हैं और 10 मिनट में 18% चार्ज हुआ है T3 Ultra, Pro चार्ज हुआ है 16, iQOO Z9S Pro 17 और Z9S 16। पंद्रह मिनट में T3 Ultra 27% चार्ज हुआ है, T3 Pro 26, Z9S Pro 27 और Z9S 24। सबसे पहले 50% चार्ज कंप्लीट किया Z9S Pro ने 26 मिनट में, T3 Pro ने लिया 26 मिनट कुछ 45 सेकंड्स के आसपास और T3 Ultra ने लिया 27 मिनट। आधे घंटे से हम चार्ज कर रहे हैं, T3 Ultra 55% चार्ज हुआ है, T3 Pro 57, Z9S Pro 58 और 49 पे दिख रहा है Z9S। तो iQOO Z9S 5G भी 50% चार्ज हो गया 30 मिनट में। 80% चार्ज कंप्लीट करने में iQOO Z9S Pro ने लिया 41 मिनट 30 सेकंड्स, 42 मिनट लिया Vivo T3 Pro ने और 43 मिनट ले लिया T3 Ultra ने। iQOO Z9S भी 80% चार्ज हो गया 49 मिनट में। सबसे पहले फुल चार्ज कंप्लीट किया iQOO Z9S Pro ने 52 मिनट कुछ 15-20 सेकंड्स में। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे Vivo T3 Ultra भी फुल चार्ज हो गया 52 मिनट कुछ 40 सेकंड्स में। T3 Pro ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया 54 मिनट फुल चार्ज कंप्लीट करने में, 55-56 मिनट के आसपास लिया iQOO Z9S 5G ने 90% चार्ज कंप्लीट करने में। 1 घंटे में iQOO 96% चार्ज हुआ है एंड फुल चार्ज कंप्लीट करने में इसने लिया 1 घंटा 3 मिनट कुछ 40-45 सेकंड्स। चारों स्मार्टफोन ने फुल चार्ज कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, साथ में 80% और 50% चार्ज कितने देर में कंप्लीट किया, सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो गाइज ये था चारों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट। वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unbox।